हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। बहुत सारे दिनों से मेरे चैनल पे वीडियो नहीं आए, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बिकॉज आई वाज नॉट वेल। बट यस, आज बनाते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं एक न्यू टॉपिक को, जिसका नाम है, न्यू टॉपिक है, ठीक है, चैप्टर न्यू नहीं है, टॉपिक न्यू है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो गाइज, पिछले वाली वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कैटालिस्ट के बारे में, जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, आप आई हो आप लोगों को भी याद होगा। फिर आई गेस हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन को भी पढ़ लिया था, बट मैं आप लोगों को ये वाला और ही अच्छे तरीके समझाऊंगी अभी। ठीक है, फिर हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ा था, फिर हम लोगों ने कॉम्बिनेशन वाले को पढ़ा था, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, फिर हमने डबल डिस्प्लेसमेंट वाले को पढ़ा था, है ना, और फिर हम लोगों ने डिकम्पोजिशन वाले को भी पढ़ा था। डिकम्पोजिशन सबको याद है ना, सबको याद है ना अच्छी तरीके से। तो भाई आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिर भाई हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक और एक न्यू टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाइज, जो मैंने आपको बताया है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में जो है, वो आप लोगों को यहाँ पर लिंक मिल जाएगी, यहाँ पर इस तरीके से, आई होप यहाँ पर आपको आ गई होगी, तो उसके ऊपर क्लिक करना। मैंने रिडॉक्स रिएक्शन करके एक वीडियो बनाया है, एक सेकेंड, रिडॉक्स रिएक्शन करके मैंने एक न्यू एकदम सेपरेट सिर्फ यही टॉपिक के लिए मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने आपको ये दोनों टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करवाए हैं। ये दोनों टॉपिक्स भी मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाए हैं, ठीक है, तो वो जाकर देख लेना, मेरे चैनल पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और कमेंट बॉक्स में भी पिंड है, समझ रहे हो, तो कितनी सारी जगह पर मैंने वीडियो का लिंक डाला हुआ है, ठीक है, तो वाली वीडियो जाके ज़रूर देखना है आपको, तो उसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब भी जाओ देखो, देख लिया ना, फटाफट जाओ 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 जाओ। तो भाई जो रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है, जो है ना, वो पहली बात किससे, एक सम होता है रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन का, मतलब जब भी ये दोनों चीज़ें एक साथ आएंगी ना, तो रिएक्शन का नाम ये हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन मतलब द केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स गेन हाइड्रोजन, रिएक्शन इन विच क्या होता है, इन विच द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट तो पता होगा ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का क्या होता है, रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्टेंट को हाइड्रोजन मिलता है, तो ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और अगर ऑक्सीजन लूज होता है, अगर ऑक्सीजन लूज होता है तो भी हम लोग उसको रिडक्शन रिएक्शन ही बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है, तो वो सेपरेट वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और जो सब्सटेंस रिडक्शन, जो सब्सटेंस रिडक्शन लेकर आता है, जो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एक सेकेंड, रिड्यूसिंग, ठीक है, जो सब्सटेंस रिडक्शन रिएक्शन को परफॉर्म करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गई सबको, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं एक और एक चीज़, जो आपको पता है अपना सेल्युलर जो रेस्पिरेशन होता है ना, सेल्युलर रेस्पिरेशन, सेल्युलर रेस्पिरेशन, उसमें भी पता है कौन सा होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, पता है आपको ये सब, ये सब जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ ना, ये आप हल्के में मत लेना, ये सब एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो क्या है ये, अब जो अपना सेल्युलर रेस्पिरेशन होता है, जैसे आपको बताया ना यार, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन, बहुत सारे अलग अलग तरीके के रेस्पिरेशन जो होते हैं, उसमें अपना रिडॉक्स रिएक्शन होता है। कैसा सब आपको आता है, द डैश रिएक्शन टेक्स प्लेस
ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन. तो कौन सा रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो वो आपको बताए, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है ये भी बस आपको बताना चाहिए. रिडॉक्स रिएक्शन इज इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस. ठीक है, समझ गया. मुझे थ्री पे करना है, थ्री पे नहीं आ रहा है, ये सही है, नहीं बहुत ज़्यादा ही छोटा है. ठीक है, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं करोशंस के बारे में, करोशन के बारे में. ठीक है, तो करोशन में आप लोगों को कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत ही कम सवाल आते हैं, बोर्ड की पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रही हूँ. ठीक है, तो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो फॉर्मूला होता है ना रस्ट का, देखो मैं रस्ट आपको ना करोशंस में, करोशन जो होता है वर्ड CORROSION, ये क्या होता है हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. तो अभी हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टॉपिक के बारे में, CORROSION. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आप लोगों ने कोई भी, हम लोग ने कभी भी समझ लो, यहाँ पर मैंने एक इस तरीके से एक शाइनिंग प्लेट लाया है. ठीक है, यहाँ पर देखो ये शाइन कर रहा है इस तरीके से. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लाया है, एक शाइनिंग प्लेट, या तो बोल सकते हो एक वहीकल है जो काफ़ी टाइम बाद जब वो रखी रखी रहती है ना, इसके ऊपर कुछ रेडिश कलर का लेयर आ जाती है, और ये लेयर जो है वो मुश्किल से हटती है बहुत, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं करोशन. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस पर लाइक आयरन, लेड, कॉपर, इस तरीके से कोई सी भी मटेरियल पर जब भी कुछ इस तरह की मेटेलिक सरफेस पर एक सॉलिड लेयर कलेक्ट हो जाती है, इसको हम लोग जो इस ये लेयर का नाम है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रस्ट. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रस्ट. ठीक है, और ये जो रस्ट है, रस्ट का जो फॉर्मूला है ना, एक सेकेंड, तो जो रस्ट यहाँ पर देख नहीं रहा है, हाँ देखो, तो जो रस्ट का फॉर्मूला वो है Fe2O3.XH2O. ठीक है, वापस लिखती हूँ मैं यहाँ पर, देखो Fe2O3.XH2O, इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पर रस्ट का जो, क्योंकि इसमें बहुत कम रिएक्शंस हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शन हैं, और उनमें से ये भी है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैंने आपको सारे रिएक्शंस को कभी भी याद करने नहीं बोला है. ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसमें आपको एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके से पूछ सकता है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रस्ट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट. ठीक है, तो केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट जो है वो ये है, क्या है मैं वापस लिखती हूँ, Fe2O3 को आप अलग याद करोगे, फिर यहाँ पर इस तरीके से डॉट लगाओगे, फिर यहाँ पर XH2O लगाओगे, सिंपल एंड इजी, सिंपल. ठीक है, तो जो रस्ट जो का, जब भी कोई आयरन चीज़ पर, समझ लो यहाँ पर मेरे पास जो ये आयरन है, इस पर जब देखो यहाँ पर ये मेरा आयरन का कुछ भी है चीज़, और इस पर जब भी कुछ रस्ट लगता है ना, तो कुछ तो केमिकल रिएक्शन होता होगा, कुछ रिएक्शन होता होगा इसमें जब भी तो रस्ट लगती है, लेकिन जो ये रिएक्शन होता है वो सिंपल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करता है, सिंपल रिएक्शन से ये नहीं आती है रस्ट, ये रस्ट का एक अलग केमिकल होता है, रिएक्शन होता है, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल रस्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल रस्ट. ठीक है, तो ये जो
सरफेस पर जब रस्ट लगती है तो ये सिंपल केमिकल रिएक्शन से नहीं हो करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रस्ट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रस्ट यहाँ पर केमिकल रिएक्शन आएगा, ठीक है, उस तरीके से होता है। तो डिफरेंट रीजन ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन बिकम एनोड एंड कैथोड, ठीक है, फाइन। तो कभी भी ड्यू टू वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ एटमोसफियर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन सबको पता है, जब भी आप लोगों ने देखा होगा ना यहाँ पर जब वो झुमके टाइप आते हैं, आजकल बहुत जो ट्रेंड में चल रहे हैं, देखो इस तरीके से मैं दो दो बना रही हूँ, उसमें यहाँ पर इस तरीके छल्ले टाइप रहता है कुछ, यहाँ पे काफ़ी डिटेलिंग रहती है, ओके। तो यहाँ पर जो भी ये इस तरीके से जो होते हैं ईयरिंग, ठीक है, समझ लो कि ये ईयरिंग है, ठीक है, तो ये समझ लो एक ईयरिंग है। तो ये जो आजकल जो ये सिल्वर कलर के ऑक्सीडाइज्ड, ये आपने नाम सुना होगा ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी करके, तो दीज आर ओनली व्हाट आर ऑक्सीडाइज्ड, जिसमें जो थोड़े थोड़े उनका जो शेप थोड़ा थोड़ा काले में जाता है, ब्लैक में जाता है, थोड़ा ग्रे में जाता है, थोड़ा वाइट में जाता है, ठीक है, तो दिस आर कॉल्ड ऑक्सीडाइज। तो ये क्यों होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से मेटल को वो होता है और वो डैमेज, ये तो अलग बात थी, लेकिन कुछ जो चीज़ों होती है, जो मेटल्स की जो चीज़ें होती हैं वो ऑक्सीडेशन की वजह से जब वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, ऑक्सीडेशन की वजह से वो डैमेज जाती हैं, एंड डैमेज का मतलब क्या होता है, ख़राब हो जाती है। अब ख़राब चीज़ों को फिर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ख़राब, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्या है, जो करोजन जो है वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, इसलिए क्या होता है यहाँ पर, ये जो हुआ है ना, मतलब कोई भी इफ़ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द मेटल रिजल्टिंग टू इट्स डैमेज, फिर यही इसको बोलते हैं हम लोग करोजन। आयरन रस्ट एंड रेडिश कलर आर कलेक्टेड ऑन इट, फिर करोजन इज ऑन, ये जो होता है जब भी कुछ रेडिश कलर का कलर आ जाता है किसी भी चीज़ पर, तो इसको बोलते हैं करोजन ऑन आयरन, ठीक है। और करोजन इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, और इसके फुल बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरे चैप्टर में, जिसका नाम है मेटलर्जी, और वो है चैप्टर नंबर 8, ठीक है, जो मैंने अपनी वीडियो अपलोड की भी है, ओके, तो वो पहले से ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो, ठीक है। रेंसिडिटी के बारे में मैंने आपको उसमें बताया हुआ है, रेंसिडिटी ऑफ मेटल एंड सीक्वेंस ऑफ मेटल मैंने आपको बहुत अच्छे से न्यूमोनिक्स बताया हुआ है वाला। अब हम लोग पढ़ने है वाले हैं, करोजन का हो गया अच्छे से, कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट में बोलते रहना, ठीक है, फाइन। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है ना, आप लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिकली सोचना है सबको। यहाँ पर देखो मेरे पास है एक कढ़ाई, ठीक है, और यहाँ पर जल रही है आग, यहाँ पर जल रही है आग, और आपके मम्मा ने बनाए हैं पकोड़े, ठीक है, तो यहाँ पर समझ लो ये है मेरे पकोड़े, और यहाँ पर जो है ये है मेरा तेल, येलो कलर का तेल है, ब्राउन कलर के पकौड़े हैं। फिर यहाँ पर जो ये पकौड़े थे ये प्लेट में आ गए, ये प्लेट में आ गए अभी, तो ठीक है, यहाँ पर भाई ये हमारे प्लेट में आ गए पकोड़े। अब बचता क्या है सिर्फ, उसके बाद क्या हुआ, जो कढ़ाई थी यहाँ पर, ठीक है, जो कढ़ाई थी, अब उसमें सिर्फ बचा क्या है, तेल, यूज़ हुआ हुआ तेल, लेफ्ट ओवर तेल, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, कभी कभार हम लोग का जो ये होता है ये बिना ढका हुआ जाता है, मतलब इसके ऊपर कुछ इस तरीके की प्लेट आनी चाहिए, राइट, तो उसके वजह से उसमें कुछ ऑक्सीजन ना आ पाए, लाइट ना जाए, क्योंकि ये लेफ़्ट ओवर ऑयल है, ओके, दिस इज़ व्हाट आर लेफ्ट ओवर ऑयल, ठीक है। तो कभी भी ऐसा होता है तो फिर ढककर रखना चाहिए, बट अगर इस वजह से कुछ कभी कभार जब कुछ ऐसा नहीं हो पाता है तो उसमें से कैसी स्मेल आने, फाउल स्मेल आने लगती है, ख़राब सी स्मेल आने लगती है, और इस तरीके से जो ऑयल का जो टेस्ट जो होता है, जो ऑयल का टेस्ट होता है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है, और क्या हो जाती है, वो रेंसिडिटी, इस फाउल जो होता है उसको रेंसिडिटी का प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है।
तो कभी भी इफ़ अ फूड इज़ कुक्ड इन सच ऑयल इट्स टेस्ट ऑल्सो चेंजेस, अगर ऐसे तरीके के ऑयल में हम लोग खाना बनाएंगे तो खाने का भी टेस्ट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, व्हेन वी यूज़ लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल फॉर मेकिंग द फूड स्टफ इट इज़ फाउंड टू हैव अ फाउल ऑर्डर फाउल ऑर्डर इसको ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्मेल होता है, एंड फाउल मीन्स खराब। ठीक है, बैड। ठीक है, तो अभी अगर व्हेन ऑयल, और मैं यहाँ पर कैमरा ऑन करती हूँ फिर आपको सबको बताती हूँ। ठीक है, वेट, यहाँ पर बस एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पर अब आप लोग सबको दिख रहा होगा, यहाँ पर हैं हम लोग। तो यहाँ पर व्हेन ऑयल और घी इज़ लेफ्ट असाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और फ्राइड फूड इज़ लेफ्ट असाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट अंडरगोज एयर ऑक्सीडेशन एंड बिकम रेंसिड। रेंसिडिटी इज इन द फूड स्टफ कुक्ड इन ऑयल और घी इज़ प्रिवेंटेड बाई यूजिंग द एंटी ऑक्सीडेंट्स। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फूड स्टफ कैन ऑल्सो बी स्लोड डाउन बाय स्टोरिंग इन इट एन एयरटाइट। तो जो मैंने लास्ट लाइन बताई थी आपको, ये जो लास्ट लाइन है हम लोगों का द प्रोसेस वाला, इसका आप लोगों को एक गिव रीज़न भी आया हुआ है। ठीक है, वो देख लेना आप लोग। तो जो इस तरीके से जो खाने में रेंसिडिटी हो जाती है, रेंसिडिटी, तो इसको अगर हम लोगों को प्रिवेंट करना है तो हम लोग एयर टाइट कंटेनर में हम लोगों को जो भी लेफ्ट ओवर फूड होता है या ऑयल या घी होता है तो वो एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, कंटेनर। और अगर हम लोगों को रेंसिडिटी को रोकना है, कुछ बंद करना है, तो देखो स्लो अगर करने का ना, रेंसिडिटी को प्रिवेंट नहीं बोल सकते हम लोग इसको, अगर स्लो डाउन करना है ना उसका रिएक्शन के बहुत धीरे धीरे होना बहुत कम हो, तो तब हम लोग इसका एयर टाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि रेंसिडिटी प्रिवेंट हो पाए, नहीं हो, तो हम लोग एंटी ऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आप सोच रहे होंगे कि हम लोग इसका ये एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। सी, एयर लाइट एंड हीट आर द फैक्टर विच गिव्स द रेंसिडिटी एंड विच कॉजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड स्टफ ड्यू टू विच द रेंसिडिटी अकर्स, है ना। तो क्या है, एयर लाइट, दीज आर सम ऑफ द स्टफ्स विच कॉजेज द रेंसिडिटी एंड वाई इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई यूजिंग द एयर टाइट कंटेनर, बिकॉज एयर टाइट में कंटेनर में क्या होता है, जो हम लोगों की लाइट रिच नहीं हो पाती खाने तक, और जो एयर है, जो एयर से मेन चीज़ है, वो भी नहीं आ पाती है। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग अपना चैप्टर कम्प्लीट करते हैं, और आज का बहुत कम टॉपिक था, बहुत छोटा टॉपिक था, आई होप सबको समझ में आया होगा। ये वाला चीज़ याद कर लेना सब लोग, बच्चे लोग, Fe2O3 H2O। ठीक है, ये रेस्ट का जो है वो फॉर्मूला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे अहेड।